तो भाई आज की मंडे नाइट नाइट्रॉ देखिए आप लोग की बात बिल्कुल क्लियर तरीके से कह सकते हो कि विंस विकमैन के कंट्रोल वाली मंडे नाइट रॉ नहीं थी ट्रिपल है जब रॉ कंट्रोल करेंगे तो रॉ कैसी होगी और क्या हमको डिफरेंस देखने को मिला उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इसमें लेकिन सबसे पहले हमको जो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग है वो बैकिल इंच के साथ देखने को मिलती है एंड फाइनली ये जो बैकिंग इंच थी वो वो वाली बैकिल इंच थी जो बड़ी फैंसी रहती है ऐसे वैसे उन्होंने जो अपने आम में स्लिंग लगाया हुआ था क्योंकि जिसमें आपसे कहा था कि उनको शोल्डर में शायद प्रॉब्लम है तो आज उन्होंने इसी बात को अनाउंस किया कि एक्चुअल में उनकी शोल्डर में इंजरी हो गई जिसकी वजह से उनको डब्ल्यू डब्ल्यू से टाइम ऑफ लेना पड़ेगा और रिपोर्ट्स ये भी है कि 50 50 चांसेस है कि बैकलेंच को अपनी सर्जरी करवानी पड़ सकती है इसके लिए या फिर नहीं तो यहां पे मामला जो है बीच में लटका हुआ है तो बैकलेंच यहां पे अपने वो मैन वाले मैंने कहा ना मैन वाला कैरेक्टर उनका आ गया ट्विटर के ऊपर भी उन्होंने कहा था तो उसी चीज को बात कर रही थी कि, कि कैसे उन्होंने इतनी मेहनत करी है ये सब किया है फिर उन्होंने ये भी बताया कि बीस मिनट उन्होंने जो है उस मैच में रेसल किया उन्होंने गिव अप नहीं किया मतलब अपनी पूरी जर्नी जो है उसको शेयर कर रही है जैसे मैन वाला गिमेक किया करता था यहां पे फिर बियांका ब्लेयर भी आती है और वो भी कहते हैं कि भले हम तो बीच

मतलब ये तो लग रहा है कि पता नहीं लास्ट टाइम कब हुआ था अभी धीरे धीरे उन सब चीज को हम डिस्कस करेंगे अभी अभी और भी कुछ है के इस टेबल के बारे में लेकिन नेक्स्ट हमको मैच देखने को मिलता है स्टाइल्स वर्सेस अली वर्सेस वर्सिस आज डब्ल्यू डब्ल्यू ने शो के ऊपर दो ट्रिपल थर्ड मैचेस को अनाउंस किया और दोनों ट्रिपल थर्ड मैचेस में जो जीतेगा उन दो वो दोनों बिना फिर लड़ेंगे और उसमें जो जीतेगा वो बॉबी लेस्ट्री को यूएस चैंपियनशिप के लिए फेस करेगा भाई साहब तुम मुझे ये बता दो कि मिड कार्ड डिविजन को इतनी वैल्यू लास्ट टाइम कब मिली थी कि शो के ऊपर मैचेस हो रहे हैं दो नहीं बल्कि तीन तीन मैचेस होने के बाद डिटरमाइन होगा कि कौन बनता है नंबर वन कंटेंडर यूएस चैंपियनशिप के लिए तो ये भाई क्लियर एक साइन है आपको ट्रिपल एस की प्रेजेंस का देखने को मिल जाएगा और भाई साहब मैच रेसलिंग के ऊपर जो आज फोकस हुआ है पूरी मंडीना ट्रॉ के ऊपर वो भी क्लियरली बताता है कि डब्ल्यू एक रेसलिंग शो है बल्कि ऐसा शो नहीं है जहां पर आपको रैंप में मॉडल चलते हुए दिखाया था इस बात को भी ट्रिपल एस ने आज प्रूव किया और यार ये मैच तो बहुत कमाल का था इसकी एंडिंग अगर आप देख लोगे तो आपका समझ में आ जाएगा जब मुस्तफा अली ने अपना स्प्लैश लगाया और उसको जिस तरीके से उठ के स्टाइल्स क्लैश में बदला भाई वो कितना स्मूथ कितना मस्त ऐसा लग रहा था कि जिसे तीनों सुपरस्टार्स ने इस मैच की कितनी रिहर्सल करी हो उस वाले स्पॉट के लिए वो देख के लग रहा था बाकी टाइल से यहाँ पर मैच को जीत गया लेकिन अभी उनके लिए रहा आसानी थी अभी आगे जाकर और भी सीन होना था उनके साथ लेकिन नेक्स्ट हमको देखने को मिलते हैं सेथ फ्रिकिन रोलेंस और वो बात करते हैं रिडल के बारे में कि रिडल कैसे है पागल की तरह बिल्कुल रेंडी ओडन की तरह कर रहा है ऐसे कर रहा है मतलब वो आया और ठुक पिट के चला गया और रेंडी ओडन की तरह उसको बनना था ना तो बन गया जैसे रेंडी ओडन इंजर्ड है वो भी इंजर्ड हो गया और अब यहाँ पर रोलेंस एक बात को मैंशन करते हैं कि मेरी जो सारी अटेंशन है वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेन्स के ऊपर है मैं एक्साइटेड था कि अब आगे क्या होने वाला है बट यहां पे इंटरप्ट कर दिया उनको स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने जो कि मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया स्ट्रीट ने उनको इंटरप्ट किया कह रहे हैं यार तुमसे टैग टीम चैंपियनशिप तो जीत नहीं जाती तुमसे कुछ नहीं जाता तुम अलग ही हो जाओ इस पर क्या होता है दोनों में से एक के साथ रेसल कर सकते थे वो तो वो स्टोन पेपर सीजर कर रहे हैं हालांकि मॉन्टेस फोर्ट वो भी करने में इंटरेस्टेड नहीं थे आज वैसे मॉन्टेस फॉर्ड को देख के विजिबली लग रहा था कि उन्होंने अपनी फिजिक में जो है इंप्रूवमेंट करी है उन्होंने और ज्यादा जो है साइज गेन कर लिया है तो मॉन्टेस फॉर्ड और सेफ्रॉलिन के बीच में मैच था यह भी अच्छा रेसलिंग मैच था ऑब्वियसली मॉन्टेस फोर्ड की जो उनकी एथलेटिक

है, आना बाकी है नेक्स्ट तो मासू गेबल वर्सिजेवल वर्सिस डॉफि के बीच में ट्रिपल थर्ड मैच आगे जो भी इसको जीतेगा वो स्टाइल्स को फेस करेगा एंड जब ट्रिपल एच कंट्रोल में है और चांपा मैच के अंदर है तो क्या ऐसा हो सकता है कि चांपा इस मैच को हार है अगर आपनेक्स्ट देखिए तो आपको पता ही होगा ट्रिपल एच एन चांपा की कैसी रिलेशनशिप है इवन इनको तो बाप बेटे की रिलेशनशिप भी कहा जाता है नेगेटिव वे में नहीं पॉजिटिव वे में क्योंकि तो चांपा को आपने देखा ही होगा भाई के अंदर क्या उन्होंने हील वाले काम किए हैं पिछले कुछ सालों में तो आज चांपा ने यहां पर वही चीज करके दिखाई है विक्ट्री उनको इस मैच के अंदर मिल गई है और अब वो फेस करेंगे स्टाइल्स वहां जो भी जीतता है वो होगा नेक्स्ट चैलेंजर भोबिल एचली के लिए शो के ऊपर आज हमको एच भी देखने को मिलते हैं अपने रेटेड आर वो वो जो गेमिंग था या फिर वो जो विनियड थी वो क्या था वो तो समझ में नहीं आया क्योंकि आज जो है एज अपने पुराने वाले थीम सॉन्ग पर आया बिल्कुल वैसे बन के जैसे कि हमने उनको कुछ अभी टाइम पहले देखा था तो मुझे समझ नहीं आया कि वो जो विनियड दिखाया और वो जो सब किया उसका मतलब क्या था क्योंकि एज ने आज, आज शो के ऊपर ये कहा कि मैंने तो जजमेंट डे बनाया था कि जो यंगर टैलेंट्स हैं उनको सिखाने के लिए लेकिन भाई तो मेरे ऊपर ही चढ़ गए तो अब मेरे को जो है जजमेंट डे को एंड करना है ऐसा कह के जो एज यहाँ पर प्रोमो कट करते हैं क्लियरली उन्होंने अपनी जो डायरेक्शन वो बिल्कुल अलग कर लिया है और जजमेंट डे सब यहां पर उनको ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं बल्कि उनको ठुकाई पटाई करके एज मानेंगे बट हाँ शो के मेन हट 那都叫什么新闻？

सिंगल्स डिवीजन uh, या फिर टैग टीम डिवीजन में लाले पड़ रहे थे यहां पर पूरी स्टेबल बन रही है और ऐसी-वैसी नहीं उसको देखने में भी मजा आ रहा है तो ये अगेन ट्रिपल एच की वजह से हमको एक चीज देखने को मिली है शो के ऊपर जो कि विनसकपन के कंट्रोल में नहीं होती और मजा आया आज पूरे विमेन डिवीजन को मुझे देखने में पता नहीं लास्ट टाइम मैं इतना सूखा भी एंजॉय किया होगा इसके बाद हमको एजेस स्टाइल्स और चांपा का मैच देखने को मिलता है जो भी जीतेगा उसको क्लियरली आगे जाके मैच मिलेगा चैंपियनशिप के लिए अगेंस्ट बॉबी बॉबिल फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप और यहां पे मैं अब सोच रहा था कि अच्छा चांपा चलो ट्रिपल एच के पसंदीदा हैं लेकिन क्या एजेस स्टाइल्स के सामने वो हारेंगे मिस यहां पर बहुत अच्छा रोल प्ले करके चलेगा क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत आसान हो गया ट्रिपल एच के लिए मैच का रिजल्ट निकालना जीते इस मैच के अंदर चांपा लेकिन मिस की जो है या फिर चांपा की हिल टैक्टिक्स के साथ में जब एजेस स्टाइल्स को रिंग में नहीं जाने देते एक बार उन्होंने ने ब्रेक करवाने में भी उनकी मदद करी थी और एंड में जो है फायदा उठाया चांपा ने अपने फिनिशर के साथ में और एजेस स्टाइल्स को उन्होंने हरा दिया और चांपा फेस करेंगे बॉबी लेस्टली को यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं विन सुकमन के कंट्रोल में चीज कभी भी नहीं हो सकती थी कि चांपा को ऐसे मौका मिले एक शो के ऊपर इतना ज्यादा शाइन करने का शो के मेन इवेंट के अंदर दी यूस वर्स मिस्टीरियोस का मैच था अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए एंड ये बात तो पहले से बता दी कि शो के ऊपर यहां पे इस मैच में टाइटल चेंज तो नहीं होने वाला लेकिन जो मेन इवेंट के अंदर हुआ वो भी एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि सबने आके जो है जो जजमेंट डे है उसका हमको यहां पर दबदबा देखने को मिलता है रियर रिप्ली यहां पर ये यह सब आ रहे हैं फिन बैलर लेकिन एज भी यहां पर आए उनको उनका सफाया करने के लिए बट रियर रिप्ली ने यहां पर गेम खेला जब फिन बैलर के ऊपर स्पीयर लगाने की ऐसा लग रहा था तैयारी हो रही है बट बीच में डोमिनिक को थ्रो कर दिया उन्होंने और एज का जो स्पीयर है वो डोमिनिक के ऊपर लग जाता तो एज

अगले स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए डब्लू डब्ल्यू क्लेश कैसे ड्रूम एक्ट के मैच को एडवर्टाइज करे तो शायद आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीक ये जो है दोनों सुपरस्टार अपनी राइवलरी को आगे बिल्ड करने वाले हैं आई होप रोमन रेंस एंड की जैसे राइवलरी रही है वैसा रोमन रेंस के सीन में क्योंकि भाई यूके के अंदर इवेंट है एकदम रेसल जैसा ये शो है तो डब्ल्यू डब्ल्यू मुझे लगता है इसमें कोई कसर छोड़ने वाली है एंड नेक्स्ट मैकडाउन में थिंग्स काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है मैक एंड रोमन रेंस के बीच में और जाते जाते आपको रोमन रेंस के बारे में एक स्टार्ट बताया हूँ रोमन रेंस ने सात सौ दिन मैंने आपको भी बताया कि उन्होंने एस यूनिवर्सल चैंपियन तो पूरे कर ही लेकिन गाइस रोमन रेंज के हजार दिन पूरे हो चुके हैं डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर कंबाइंड अगर उनके रेन की हम बात करें तो हजार दिन का ये जो फिगर है इस तक पहुंचना काफी मुश्किल होता है रोमन रेंस पहुंच गए और अगर कुछ एक टाइम और अगर रोमन रेंस अपने पास जो चैंपियनशिप्स को रख लेते हैं अपने रेन को आगे बढ़ाते हैं तो फिर यहां पर रोमन रेंस टॉप फाइव के जो डब्ल्यू के ऑल टाइम रिकॉर्ड है उसके अंदर अपना जो नाम है वो दर्ज करवा लेंगे तो बल्ले बल्ले हो रही है रोमन रेंस की बट हां नेक्स्ट चैलेंजर भी काफी तगड़ा है तो देखते हैं अब रोमन रेंस के लिए कितना बड़ा वो थ्रेड पोस्ट कर पाते हैं लेकिन आज की जो वीडियो तो कैसे हुई है कितनी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड एस यू guys in my next video.